टक्के आरक्षण द्यावं या मुख्य मागणीबरोबरच इतर मागण्यांसाठी मुस्लिम समाजाच्या वतीनं विशाल मूकमोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर काढण्यात आला. या मोर्चात सुमारे 5 लाख नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी विभागीय आयुक्तांना विविध मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं. सकाळी 9 वाजेपासूनच मूकमोर्चासाठी विविध भागातून नागरिक आमखास मैदानाकडे येण्यास सुरुवात झाली होती. शहरातून आणि इतर जिल्ह्यातूनही मुस्लिम आणि इतर समाजाचे नागरिक मोर्चात सहभागी होण्यासाठी येत होते. त्यांची वाहनं थांबवण्याची व्यवस्था शहराच्या बाहेर दूरवर 6 ठिकाणी करण्यात आली होती. मोर्चेकरी दूरवरून पायी आमखास मैदानाकडे गटागटानं येत होते, त्यामुळे या रस्त्यावर मोठा जनप्रवाह असल्याचं दृश्य दिसत होतं. विशेष म्हणजे तिरंग्याशिवाय इतर कुठल्याही रंगाचा झेंडा मोर्चेकरांच्या हातात नसल्यानं देशभक्तिमय वातावरणाचा प्रत्ययही इथे येत होता. दुपारच्या नमाजनंतर मोर्चास खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली. कुराणची आयते वाचून मोर्चा सुरू झाला. मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता का आहे या संदर्भात शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी भाषण केली. ये मुसलमानों का ज्योग्राफी 15% रिजर्वेशन चाहता है, क्योंकि इन 70 सालों में मुसलमान निहायत ही पसमानदा सूरत हाल का शिकार हो गए हैं, और वो भी ऐसे मुल्क में जहां तमाम इंसानों को यकसा हुकूक हासिल है. मुसलमान इंसाफ चाहते हैं, और जहां इंसाफ नहीं मिलता वहां मखलूक़े खुदा खामोश नहीं रहती, वहां अवाम सड़कों पर उतर आती है, एहतजाज के तूफान उठाती है, धरने निकालती है और जुलूस पर बैठती है. शाळकरी मुलांसहित एक शिष्टमंडळ विभागीय आयुक्तांकडे गेलं आणि त्यांना निवेदन देण्यात आलं. या निवेदनात मुस्लिम समाजाला सर्व क्षेत्रात 15% आरक्षण द्यावं, शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करू नये, मुस्लिम समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सच्चर समिती, मेहमदुर रहमान समिती, रंगनाथ मिश्रा समिती आणि इतर समित्यांच्या शिफारसी लागू कराव्यात. निर्दोष मुस्लिम मुलांना चौकशीच्या नावाखाली त्रास देऊ नये. ज्या तरुणांना कोर्टानं निर्दोष ठरवलंय अशा सर्वांना नुकसान भरपाई द्यावी, त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अरबी मदरसे बंद करू नयेत, वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचं संरक्षण करावं, त्यांच्यावरील अतिक्रमण काढावं, मराठा समाजालाही आरक्षण द्यावं अशा विविध मागण्या विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. गवर्नमेंट को मुसलमानों के इस डेवलपमेंट के बारे में, उनकी रिजर्वेशन के बारे में, उनको सामाजिक इंसाफ देने के लिए और उनको जो सताने का सिलसिला है वो बंद करने के लिए संजीदगी से गौर करना चाहिए. तालबा करते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले, हमें रिजर्वेशन मिले आला तालीम के लिए, हमें रिजर्वेशन मिले मईशत के लिए. आज आप देखते हैं कि सचर कमेटी के चश्मकुशा अहवाल ने मुसलमानों को दिगर अकवाम से ज्यादा पसमानदा कौम करार दिया है. देखते हैं आपके मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा कौम. हम आज गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले. मुस्लिम शुड गेट रिजर्वेशन इन ऑल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. 5% रिजर्वेशन वॉज अलॉटेड टू सम सब कास्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दैट टू वॉज स्क्रैप्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी वॉन्ट टू टेल इज द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर आर लॉ शरिया इन आर शरिया लॉ. कि जिस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुक्मरानी की, जिस कौम के हजारों उलमा इकराम ने फांसी के फंदों को चूमा, जिस कौम ने इस अजीम भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वही कौम आज अपने ही वतन में मादूम, वही कौम आज अपने ही मुल्क में मशकूक, वही कौम आज हाशिए पर. इसीलिए हम नौजवान इस मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक में शाना बशाना शामिल हैं, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए आला तालीम के लिए, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए सरकारी और नीम सरकारी नौकरियों के लिए. कायद जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान बाय चांस नहीं बाय चॉइस इंडिया में रहेंगे. मुस्लिम नौजवान तमाम तर सलाहियतों के बावजूद आला तालीम हासिल करने से महरूम रह जा रहे हैं. मसलन मुसलमानों के पास फीस के लिए पैसा न होने की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर पा रहे. इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मुसलमानों को फौरन रिजर्वेशन दे. हाई कोर्ट ने हमको 5% इनके एजुकेशन पे दी, बस हम यही चाह रहे थे 5% हमको एजुकेशन पे भी दिए, हमारा हक हमारे को दे दो. यहाँ पे हम सब हुकूमत से रिजर्वेशन का मुतालबा करने के लिए जमा हुए हैं, तो हम तमाम तुलबा हुकूमत से रिजर्वेशन के जो सुलगते हुए मसले हैं उन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं.
रिजर्वेशन मुसलमानों का आज़ादी के बाद से एक सुलगता हुआ मसला चल रहा है और ये हमारा हक है और इसी हक को मांगने के लिए आज हमें जुलूस निकालना पड़ रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है। तो हम यहाँ पे तमाम मुसलमान जुलूस में ये जाहिर करना चाहते हैं कि मुसलमान मुत्तहिद है और रिज़र्वेशन हमें चाहिए, क्योंकि इन 70 सालों में हम नहायत ही पसमानदा ज़िंदगी का सूरत हाल का शिकार हो गए हैं और जिसकी जो पेशन गोई है राजेंद्र सच्चे रिपोर्ट महमूदुररहमान और रंगनाथ मिश्रा ने साफ तौर पर वाजे कर दी है, उसके बाद भी हमारी हुकूमत सो रही है, उन्हीं को जगाने के लिए हम यहाँ पर जमा। वेरी बिग पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल टुडे वी आर स्ट्रगलिंग अगेन द फोर फादर्स ऑफ मुस्लिम्स हैव फाउट हैव सैक्रिफाइज द अल्टीमेट लाइव्स बट टुडे वी आर स्ट्रगलिंग व्हाई वी आर जस्ट गैदर्ड हियर टू गेट आवर राइट्स हियर Who should we blame? The government? Why is the government not listening to Muslims? It is a very shame act that we Muslims have to gather at a place and have to demand for our rights. Why aren't we getting it already? The incidence of poverty is highest in Muslims, even worse than the SCs and STs. The Muslims are considered to be the most backward just because of lack of education among Muslims. So we are here today asking the government to grant 15% of reservation for Muslims. Minority Commission की report में ये बात साफ साफ वाज़ह कर दी गई है कि मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और जब हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं तो इस मुल्क का संविधान को हम मानते हैं, तो हमारे मुल्क के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत ये बात साफ साफ वाजे कर दी गई है कि जिस मुल्क के अंदर पसमानदगी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे वो माशी पसमानदगी हो या समाजी पसमानदगी हो, तो इस बुनियाद पर उस मुल्क के अंदर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इन तमाम पसमानदगी की जो शक्ल सूरतें हैं वो सब मौजूद है, महमूदुररहमान कमेटी के अंदर बता दिया गया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन के अंदर बता दिया गया और दूसरी जो कमीशन से उसके अंदर भी ये बात साफ साफ वाजे कर दी गई कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर पसमानता है, उन्हें रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है।